नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है, जब भी छोटे बच्चे हो या कोई भी हो, किसी को भी अगर टॉयलेट आता है ना, तो लिटिल फिंगर का उपयोग करता है। कोई भी बच्चा या कोई भी लिटिल फिंगर का ही उपयोग क्यों करता है? वो ऐसे ऐसे क्यों नहीं करता है, ऐसे क्यों नहीं करता है? वो सिर्फ लिटिल फिंगर का ही उपयोग क्यों करता है? क्या इसके पीछे कोई नकल है या कोई लॉजिक है या कोई और कारण? आखिर ये सिग्नल देने का रीजन कहां से पड़ा और टॉयलेट के लिए यह संकेत क्यों दिया जाता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। टॉयलेट का संकेत हेतु लिटिल फिंगर का उपयोग क्यों, देखना। सबसे पहले यह देखिए, सबसे छोटी अंगुली को संस्कृत में कनिष्ठा के नाम से जाना जाता है और उसको अंग्रेजी में बेबी फिंगर कहा जाता है। अब आप नोट करना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे छोटी अंगुली को जल तत्व के नाम से जाना जाता है। अपने हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो लिटिल फिंगर है ना, इसको जल तत्व कहा गया। तो इसका एक रीजन तो आप यह मान सकते हो, इसको जल तत्व कहा जाता है। अब मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है, देखिए आप। मेडिकल साइंस के अनुसार लिटिल फिंगर का डायरेक्ट कनेक्शन किडनी के साथ होता है। मेडिकल साइंस की अगर बात करोगे तो उसमें जो लिटिल फिंगर है ना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन अपनी किडनी से होता है। और किडनी का क्या काम होता है आप जानते हो। किडनी हमारे खून की सफाई का काम करती है। आप सब जानते हो किडनी हमारे खून के सफाई का काम करती है। शरीर में मौजूद दूषित तरल पदार्थ को खून से अलग करके विसर्जित करने के लिए आगे भेजती है। किडनी का काम यही होता है कि खून को साफ करके और जो दूषित पदार्थ होते हैं ना, उनको विसर्जित करने के लिए आगे भेजती है। किडनी का मुख्य रूप से ये कार्य होता है। और लिटिल फिंगर को एक्यूप्रेशर करने से किडनी एक्टिव होती है। एक बात और नोट करना, अगर आप लिटिल फिंगर को अगर एक्यूप्रेशर करोगे ना, तो उससे क्या अपनी किडनी एक्टिव होती है। तो ये दो रीजन मेन इसमें माने गए हैं कि इसका संकेत क्यों दिया जाता है। एक तो अपने ज्योतिष शास्त्र में लिटिल फिंगर को जल तत्व के नाम से जाना गया है, और लिटिल फिंगर का डायरेक्ट कनेक्शन किडनी से होता है। किडनी हमारे खून को साफ करके जो दूषित तरल पदार्थ होते हैं उसको मूत्र के जरिए बाहर निकालने का काम करती है। इसीलिए टॉयलेट के संकेत हेतु लिटिल फिंगर का उपयोग किया जाता है ना। कितनी रोचक जानकारी जो शायद आपको अभी तक नॉलेज में नहीं होगी। इसी के साथ देखते रहिए मेरे वीडियो।